है राम राम। आपकी बच्ची हूँ, कोई गलती अगर मुझसे हो जाए तो पहले ही माफी मांग लूँ भैया, बाद में गलती का बड़ा क्या जुर्माना भरना पड़े। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। सरकार कहती है कानून अच्छे हैं, आप बताइए कि कानून आपके लिए है या नहीं? मुझे आवाज नहीं आई भैया, नहीं आवाज इतनी जोर की आनी चाहिए, मेरे दिल्ली जाने से पहले आवाज दिल्ली पहुंचे। नहीं है, देखिए हम कहते हैं कि हमें पता नहीं रहा कोई कि कानूनों में कमी क्या है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी भाई, आप प्लीज थोड़े से ध्यान रखिए व्यवस्था का। सवाल से भटक जाते हैं जो लोग कानून लेकर के आए हैं, इनके पास जवाब सिर्फ दो चार होते हैं, मैं बता चुकी हूँ क्या होते हैं। क्लोज भाई, क्लोज सारा भाई, पहला मैंने बताया है, अगर जिसको समझ में नहीं आइएगा मैं कॉपी भिजवा दूंगी घर पे, मैंने ये भी बोल दिया है। सरकार ने जो ये अनलिमिटेड वाला सिस्टम जो किया है प्राइवेट कंपनियों को, क्यों किया है? अनलिमिटेड की जो स्टॉकिंग होती है वो उसकी पावर किसको होनी चाहिए? सिर्फ सरकार को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना, या प्राइवेट लोगों को होनी चाहिए? आप बताइए। सरकार के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के पास में नहीं होगी तो प्राइवेट वाले बहुत ज्यादा स्ट्रोक कर लेंगे, बहुत ज्यादा, और वो उसको तब निकालेंगे जब महंगाई डेढ़ गुना बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, जो लोग ये सोचते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है, ये आंदोलन मिडिल फैमिली का भी है। ये आंदोलन जो ठेले वाले सब्जी बेचते हैं ना, कौन इतना मूर्ख है ना भैया, मैं तो हूँ नहीं जो मॉल में तू 600 रुपए की गोभी लाऊं खरीद के और बाद में 1500 की ये खरीद ले रहा ठेले पे, है क्या कोई? अब वो गरीब व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है ठेले पे सब्जी बेच करके, उसके परिवार का क्या होगा? जिनके पास जमीन नहीं है उनका क्या होगा? गलत बात है। कानून अगर हमारे फेवर में हो जाए, जितने भी हमारे आंदोलन में शहीद हुए हैं मेरे किसान भाई, सभी को मैं नमन करना चाहूंगी सम्मानित मंच के द्वारा, अगर हमारे फेवर में होते सरकार किसकी? किसकी है सरकार? जवाब नहीं देते आप लोग, यही तो कमी है। सरकार कौन है? देश की जनता सरकार है, सिर्फ हमने उनको वहां पर बिठाया कि आप हमारी बात सरकार है, जमीन हमारी, उसकी फसल हमारी। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने ये माइक बनाया है, ये माइक बनाया है, तो उसको अधिकार है कि वो इसका प्राइस तय कर सकता है। सिर्फ किसान तो ये कहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप तय कर दीजिए। मेरे एक भाई ने बताया था कि MSP थी, है, रहेगी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल रहेगी, लेकिन घर में भोजन था, है, रहेगा, मिला किस चीज को ये भी तो बताइए। असल बात तो यही है कि हाँ ये ना हिलाओ मत, हिलाओ मत भाई, MSP को मिलती है 94% आप जैसे है कि नहीं? तो वो लोग भी समझे, मेरा प्रशासन से बार बार अनुरोध है, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही, हम समझते हैं शासन पर दबाव है, आप बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, बहुत ज्यादा, हम समझते हैं कि शासन पर दबाव, प्रशासन के ऊपर दबाव है शासन का, लेकिन जब आपकी लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों से होगी और ऐसे ऐसे नेताओं से होगी जो जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी करना चाह रहे हैं, तो आपके सहयोग में कोई नहीं आएगा कमाएंगे, क्योंकि आप हमारे अपने और हम आपके अपने हैं। तो व्यवस्था का सभी ध्यान रखे, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता आए हुए हैं, तो बस मैं एक बात कहना चाहूंगी, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। किसान एकता, इसको बरकरार रखना, किसी सरकार में ताकत नहीं कि आपके अधिकार को छीन ले। सभी को राम राम। जनता सरकार है, सिर्फ हमने उनको वहां पर बिठाया है कि आप हमारी बात सरकार हमारी और जमीन हमारी, उसकी फसल हमारी। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने ये माइक बनाया है तो उसको अधिकार है कि वो इसका प्राइस तय कर सकता है। सिर्फ किसान तो ये कहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप तय कर दीजिए। मेरे एक भाई ने बताया था कि MSP थी, है, रहेगी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल रहेगी, लेकिन घर में भोजन था, है, रहेगा, मिला किस चीज को, ये भी तो बताइए। असल बात तो
तो वो लोग भी समझे। मेरा प्रशासन से बार बार अनुरोध है, जहाँ तक भी मेरी आवाज जारी, हम समझते हैं शासन पर दबाव है, आप बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, बहुत ज्यादा। हम समझते हैं कि शासन पर दबाव, प्रशासन प्रशासन के ऊपर दबाव है शासन का, लेकिन जब आपकी लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों से होगी और ऐसे ऐसे नेताओं से होगी जो जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी करना चाह रहे हैं, तो आपके सहयोग में कोई नहीं आएगा, हम आएंगे, क्योंकि आप हमारे अपने और हम आपके अपने हैं। तो व्यवस्था का सभी ध्यान रखे, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता आए हुए हैं, तो बस मैं एक बात कहना चाहूंगी, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। किसान एकता, इसको बरकरार रखना किसी सरकार में ताकत नहीं कि आपके अधिकार को छीन ले। सभी को राम राम। जनता सरकार है, सिर्फ हमने उनको वहां पर बिठाया है कि आप हमारी बात सरकार हमारी और जमीन हमारी, उसकी फसल हमारी। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने ये माइक बनाया है, ये माइक बनाया है, तो उसको अधिकार है कि वो इसका प्राइस तय कर सकता है। सिर्फ किसान तो ये कहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप तय कर दीजिए। मेरे एक भाई ने बताया था कि MSP ठीक है, रहेगी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल रहेगी, लेकिन घर में भोजन था है रहेगा, मिला किस चीज को ये भी तो बताइए। असल बात तो यही है कि मिट्टी है 94% आप जैसे है कि नहीं, तो वो लोग भी समझे। मेरा प्रशासन से बार बार अनुरोध है, जहाँ तक भी मेरी आवाज जारी, हम समझते हैं शासन पर दबाव है, आप बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, बहुत ज्यादा। हम समझते हैं कि शासन पर दबाव, प्रशासन प्रशासन के ऊपर दबाव है शासन का, लेकिन जब आपकी लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों से होगी और ऐसे ऐसे नेताओं से होगी जो जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी करना चाह रहे हैं, तो आपके सहयोग में कोई नहीं आएगा, हम आएंगे, क्योंकि आप हमारे अपने और हम आपके अपने हैं। तो व्यवस्था का सभी ध्यान रखे, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता आए हुए हैं, तो बस मैं एक बात कहना चाहूंगी, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। किसान एकता, इसको बरकरार रखना किसी सरकार में ताकत नहीं कि आपके अधिकार को छीन ले। सभी को राम राम।